वेलकम बैक एवरीवन। देखिए टेस्ट नंबर 126 लगाते हैं यूपी ट्रिपल एससी लोअर सबॉर्डिनेट का। सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए चैनल से, बेल आइकन को प्रेस रखना लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर वन क्या है? निम्नलिखित में से कौन से कवि या कौन सा कवि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में था? कौन सा था इनमें से चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में? तो कालिदास भी था और अमर सिंह भी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। तो देखिए कालिदास और अमर सिंह दोनों चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के कवि थे। क्वेश्चन नंबर टू है, कांग्रेस की स्थापना निम्नलिखित में से कहाँ की गई थी? ये तो 1885 में कहाँ पर की गई थी? बम्बई में। इम्पोर्टेंट है, अध्यक्ष कौन थे इसके? बोम्बेश चंद्र बनर्जी। तो 1885 में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने बम्बई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। अपने पहले 20 सालों में कांग्रेस अपने उद्देश्य और तरीकों के लिहाज से मध्यम मार्गी पार्टी थी, और इस दौरान कांग्रेस ने सरकार और शासन में भारतीयों को और अधिक जगह दिए जाने के लिए आवाज़ उठाई। क्वेश्चन नंबर थ्री है, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारण था? कौन सा कारण था? देखिए अंग्रेजों द्वारा खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोपना ही खिलाफत आंदोलन की शुरुआत के पीछे का मुख्य कारण था। बहुत सारे कारण थे लेकिन मुख्य कारण यही था। तो 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोप दी, और भारतीय मुसलमान भी चाहते थे कि पुराने ऑटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण बना रहे। अतः यह खिलाफत आंदोलन के शुरू होने का मुख्य कारण था। क्वेश्चन नंबर फोर है, लीग कौन सी, मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का आह्वान निम्नलिखित में से कब किया गया था? ये किया गया था 16 अगस्त 1946 को, जब भारत देश आज़ाद हुआ था ना, जिस दिन को 15 अगस्त को, तो उससे अगले दिन और एक साल कम करना 1946, इस तरह से याद रखो। तो कैबिनेट मिशन की विफलता के बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की अपनी मांग मनवाने के लिए जन आंदोलन शुरू करने का फैसला किया तथा 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का आह्वान किया। इस दिन कलकत्ता में दंगे भड़क उठे। इन दंगों में हजारों लोग मारे गए। मार्च 1947 तक उत्तर भारत के विभिन्न भागों में भी हिंसा फैल गई थी। सूची एक है, इसको सूची दो के साथ सुमेलित करना है और सही कूट की सहायता से उत्तर देना है। यह है घटना और सूची दो में है समय। कुछ हल्का हल्का दिखाई दे रहा है, इसको हल्का सा कर लेते हैं जूम। तो महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका से भारत की वापसी कब आए थे? वो 1893 में गए थे। और आए थे कब? प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है ना, जब वो आए थे। तो क्या हो जाएगा इसका मिलान करते हैं, चलिए इसका। तो देखिए महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका से भारत वापसी कब, और सविनय असहयोग आंदोलन कब, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब, और भारत छोड़ो आंदोलन कब, बताइए। देखिए ये तो सारे के सारे पहले से सुमेलित हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, असहयोग आंदोलन 1920, और महात्मा गांधी की साउथ अफ्रीका से वापसी 1893 में गए थे ये, और आए थे 1815 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3 और 4। तो देखिए गांधी जी 46 वर्ष की आयु में 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। 9 जनवरी को लौटे थे और 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। और असहयोग आंदोलन की शुरुआत की जो पहल हुई थी, पहल है ये, वो अगस्त 1920 में हुई थी तथा फरवरी 1922 में चौरा चौरी, जो गोरखपुर में किसानों की एक भीड़ द्वारा हिंसा की घटना के कारण गांधी जी ने अचानक असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, और गांधी जी ने इसे पहाड़ जितनी भूल कहा था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ते हुए गांधी जी ने की। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को हुआ। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, दादा भाई नौरोजी।
किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी। तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है। इसमें ब्रिटिश शासन के आर्थिक परिणामों की बहुत तीखी आलोचना की गई है। नौरोजी व्यवसायी और प्रचारक थे, वे लंदन में रहते थे और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे। क्वेश्चन नंबर 7 है, अंग्रेज़ों ने अपने शासनकाल में भारतीय समाज में विधवाओं और बच्चों के जीवन में सुधार लाने के लिए कुछ कानूनी प्रयास किए, निम्नलिखित ऐसे प्रयासों का सही कालानुक्रम। देखिए, कालानुक्रम सजाने वाले प्रश्न स्टेट पीसीएस और यूपीएससी दोनों के फेवरेट हैं। तो सती प्रथा पर रोक सबसे पहले लगी है, या फिर विधवा विवाह के पक्ष में कानून पहले आया है, या फिर बाल विवाह निषेध अधिनियम पहले बनाया, बताइए। तो सबसे पहले सती प्रथा पर रोक लगेगी राजा राम मोहन राय के प्रयासों से विलियम बेंटिक के द्वारा, उसके बाद विधवा विवाह के पक्ष में कानून आएगा, फिर बाल विवाह निषेध अधिनियम आएगा। तो देखिए, राजा राम मोहन राय 1772 से 1833 देश में पश्चिमी शिक्षा का प्रसार करने और महिलाओं के लिए अत्यधिक स्वतंत्रता व समानता के पक्षधर थे। उनके प्रयासों के फलस्वरूप 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगाई गई लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा, और प्रसिद्ध समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में कानून पारित किया गया। बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 में पारित किया गया। इस कानून के अनुसार 18 साल से कम उम्र की लड़के और 16 साल से कम उम्र की लड़की की शादी नहीं की जा सकती थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, गुलामगिरी नामक पुस्तक का लेखक कौन है? ये इम्पोर्टेंट है। गुलामगिरी भीमराव अंबेडकर की तो है नहीं, ना ही ये रामास्वामी नायकर की, ये है ज्योतिबा राव फूले की। तो देखिए, 1873 में ज्योतिराव फूले, या इनको बोला जाता है ज्योतिराव फूले, ने गुलामगिरी मतलब गुलामी नामक किताब लिखी। इससे लगभग 10 साल पहले अमेरिकी गृह युद्ध हो चुका था, जिसके फलस्वरूप अमेरिका में दास प्रथा खत्म कर दी गई, और फूले ने यह पुस्तक उन सभी अमेरिकियों को समाप्त की समर्पित की जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष किया था। 19वीं सदी के आखिरी हिस्से में ज्योतिबा राव फूले या ज्योतिराव फूले द्वारा महिलाओं की स्थिति सुधारने के प्रयासों के क्रम में महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल भी खोला गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ब्रह्म समाज, उपनिषदों में विश्वास, यंग बंगाल, महिलाओं के लिए शिक्षा की मांग, रामकृष्ण मिशन, समाज सेवा और निस्वार्थ श्रम के जरिए मुक्ति के लक्ष्य पर जोर, उपरोक्त युग्मों में से कौन सा कथन सही है, बताइए। ये सभी के सभी सुमेलित हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 2 3। तो देखिए, राजा राम मोहन राय के संगठन ब्रह्म सभा स्थापना 1828 का नाम ही बाद में ब्रह्म समाज पड़ा, और यह संस्था सभी प्रकार की मूर्ति पूजा और बलि के विरुद्ध थी, और इसके अनुयायी उपनिषदों में विश्वास रखते थे। यंग बंगाल मूवमेंट की शुरुआत हेनरी विवियन डेरोजी, नाम याद रखिए, इतनी बार रिपीट करवाया है, इस मूवमेंट में उनके विद्यार्थियों ने परंपराओं और रीति रिवाजों पर उंगली उठाई, महिलाओं के लिए शिक्षा की मांग की और सोच व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए अभियान चलाया। रामकृष्ण मिशन का नाम स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रखा गया था। यह मिशन समाज सेवा और निस्वार्थ श्रम के जरिए मुक्ति के लक्ष्य पर जोर देता था। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। वेद समाज, ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास, अलीगढ़ आंदोलन, पूर्ण इस्लामिक शिक्षा, सिंह सभा आंदोलन, सिखों का सुधारवादी संगठन, उपरोक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इस बार सही सुमेलित ढूंढना है। तो वेद समाज, ईश्वर के प्रति अविश्वास, ईश्वर के प्रति अस्तित्व में विश्वास करेक्ट है, और सिंह सभा आंदोलन, सिखों का सुधारवादी संगठन करेक्ट है। अलीगढ़ आंदोलन जो था वो पूर्ण इस्लामिक शिक्षा के लिए नहीं था, दूसरा यहाँ पर गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी केवल 2। तो देखिए, वेद समाज की स्थापना मद्रास चेन्नई में 1864 में हुई। यह ब्रह्म समाज से प्रेरित था, इसके सदस्य एक ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखते थे। अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत सैयद अहमद खां के नेतृत्व में अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से हुई। यहाँ मुसलमानों को पश्चिमी विज्ञान के साथ साथ विभिन्न विषयों की आधुनिक शिक्षा दी जाती थी। अलीगढ़ आंदोलन का शैक्षणिक सुधारों के क्षेत्र में गहरा
प्रभाव रहा और सिखों के सुधारवादी संगठन के रूप में सिंह सभाओं की स्थापना 1873 में अमृतसर में शुरू हुई थी। तो 20 दूसरा इस क्यों गलत हुआ, अलीगढ़ आंदोलन पूर्ण इस्लामिक शिक्षा, तो पूर्ण इस्लामिक शिक्षा पर नहीं बल्कि यह पश्चिमी विज्ञान के साथ साथ विभिन्न विषयों की आधुनिक शिक्षा दी जाती थी, इसमें ऐसा नहीं है कि पूर्ण इस्लामिक शिक्षा, इसलिए गलत था दूसरा स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के गठन से संबंध नहीं रखता। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल विलियम जोन्स रखते हैं, हेनरी टॉमस कोलब्रुक भी रखते हैं और नेथेलियन हॉल हेड भी रखते हैं, लेकिन वॉरेन हेस्टिंग नहीं रखता, 1773 का वॉरेन हेस्टिंग। तो विलियम जोन्स ने हेनरी टॉमस कोलब्रुक और नेथेलियन हॉल हेड के साथ मिलकर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया और एशियाटिक रिसर्च तथा शोध पत्रिका का प्रकाशन भी शुरू किया। क्वेश्चन नंबर 12 है, पश्चिमी यूरोप से भारत तक पहुंचने के समुद्री मार्ग का पता वास्को डिगामा नामक खोजी यात्री द्वारा लगाया गया। यह यात्री निम्नलिखित में से किस देश से आया था, यह पुर्तगाल से आया था भाई। तो वास्को डिगामा एक पुर्तगाली खोजी था और इसने 1498 में पहली बार यूरोप से भारत पहुंचने का समुद्री मार्ग खोजा, इसी को भारत का खोजकर्ता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, गुप्त काल में जारी की गई स्वर्ण मुद्राओं को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था, ये दिनार के नाम से जाना जाता था सोने की मुद्राओं को। तो प्राचीन भारत के गुप्त राजाओं ने सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की जो उनके अभिलेखों में दिनार कही गई। नंबर 14 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है, एक तरफ है लेखक दूसरी तरफ है रचनाएँ, मच्छघटिकम किसकी रचना है, शूद्रक की रचना है, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की रचना है और रोमक सिद्धांत किसकी, अमर सिंह की है क्या, 1 और 2 तो करेक्ट हो गए यहाँ पर, रोमक सिद्धांत अमर सिंह की नहीं है, गलत है, थर्ड को करो एलिमिनेट तो इसका आंसर हो जाएगा केवल पहला और दूसरा, रोमक सिद्धांत अमरकोश, देखिए अमर सिंह की रचना अमरकोश है, रोमक सिद्धांत नहीं है। तो शूद्रक के मृच्छकटिकम कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम, उल्लेखनीय है कि शूद्रक का लिखा नाटक मृच्छकटिकम या माटी की खिलौना गाड़ी, इसमें निर्धन ब्राह्मण के साथ गणिका का प्रेम वर्णित है और प्राचीन नाटकों में इसे सर्वोत्कृष्ट कोटि का माना गया है। कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम विश्व की 100 उत्कृष्ट साहित्यिक कृतियों में से एक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्राचीन काल में भारत के राजवंशों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है। तो कुषाण आएंगे, उसके बाद मरुंड आएंगे, फिर गुप्त और उसके बाद मौखरी। तो भारत में कुषाण सत्ता 230 ईस्वी के आसपास आकर समाप्त हो गई। उसके बाद मध्य भारत का बड़ा भाग मुरुंडों के अधिकार क्षेत्र में आया, मुरुंडों की सत्ता 250 तक रही। उसके बाद 275 ईस्वी में गुप्त वंश के अधिपत्य में सत्ता स्थापित हुई। उसके बाद मौखरी राजवंश ने हूणों को पराजित कर पूर्वी भारत पर शासन कायम किया और कन्नौज में सत्ता स्थापित की। क्वेश्चन नंबर 16 है, चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन इनकरेक्ट है, गलत है। तो यहाँ पर देखिए 3 तो यहाँ पर करेक्ट होंगे और एक होगा इनकरेक्ट, उसी को ढूंढना कौन सा असत्य है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय में गुप्त साम्राज्य उत्कर्ष के शिखर पर पहुँचा, करेक्ट। उसने उज्जैन को द्वितीय राजधानी बनाई, ये भी करेक्ट है। विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। उसके काल में यात्री ह्वेनसांग आया था, ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, ना कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फायान भारत आया था और यहाँ के लोगों के जीवन के बारे में उसने विस्तृत वर्णन दिया था। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को हूणों के आक्रमण का सामना करना पड़ा था, ये भी इम्पोर्टेंट है और आसान भी बहुत। इसका आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के उत्तराधिकारियों को ईसा की 5वीं सदी के उत्तरार्ध में मध्य एशिया के हूणों के आक्रमण का सामना करना पड़ा और इनमें गुप्त शासक स्कंदगुप्त को हूणों के आक्रमण का सामना करना पड़ा
और उसने हूणों को कड़ी चुनौती दी, अंततः स्कंदगुप्त द्वारा भी पराजित हुए। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से किस राजा को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन, और वीणा बजाते हुए सिक्कों पर यही दिखाया दिया है। समुद्रगुप्त को उसकी बहादुरी और कौशल के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस मुगल बादशाह ने आगरा स्थित लाल किले का निर्माण कराया था? ये अकबर ने कराया था। तो आगरा स्थित लाल किला अकबर द्वारा बनवाया गया था। यह लाल बलुआ पत्थर से बना है, और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए शाहजहां ने दिल्ली में लाल किले का निर्माण कराया था। अब देखिए, और एग्ज़ाम या स्टेट पीसीएस सीधे सीधे पूछ लेते हैं कि आगरे का लाल किला किसने बनवाया, आंसर है अकबर। यूपीएससी क्या करती है, उसमें डीप घुसती है कि इसके निर्माण में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ या संगमरमर का प्रयोग हुआ, तो ये सब चीज़ें भी पता होनी चाहिए आपको। 20वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न है ये, दिल्ली स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? ये औरंगजेब ने करवाया था। दिल्ली में जो स्थित है मोती मस्जिद, किसने कराया था? औरंगजेब ने करवाया था। तो मुगल बादशाह औरंगजेब ने दिल्ली में मोती मस्जिद का निर्माण कराया था। 20 प्रश्न थे, इम्पोर्टेंट थे। एक तरफ से रिवीजन मार लेना, कुछ समझ में नहीं आए तो फिर से पॉज रिवाइंड करके इसको देख लीजिए। जितनी भी टेस्ट सीरीज़ इस चैनल पर चल रही हैं उन सब की प्लेलिस्ट बना रखी है, और लिंक हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।